अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं इस पूरे मामले को अब राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां तमाम हलचलों के बीच राजनीति भी तेज है। हर घटना को सियासी नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल अमेरिका में दो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, पहला कोरोना महामारी और दूसरा जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से उपजा आक्रोश। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका में चुनावी बहस भी इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द घूमेगी। पहले बात अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से उठे तूफान और उससे राजनीति नफा नुकसान की। कोरोना महामारी में अश्वेतों के सबसे ज्यादा चपेट में आने और जॉर्ज फ्लॉयड की घटना के बाद अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर श्वेत बनाम अश्वेत की लड़ाई तेज हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर अमेरिकी श्वेत गोलबंद हो जाते हैं तो कोरोना महामारी में लाखों लोगों की मौत की वजह से लोकप्रियता खोते जा रहे ट्रंप की चुनावी राह आसान हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका में श्वेत लोग पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी को वोट करते हैं। ट्रंप इसी पार्टी के हैं और श्वेत यहाँ बहुसंख्यक हैं। श्वेत ट्रंप के साथ हैं तो अश्वेत बाइडेन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात की प्रबल संभावना है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बिडेन ही रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनौती देंगे। कुछ दिन पहले जो बिडेन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्हें मूर्ख कहा था। जो बिडेन ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने का संकेत देकर ट्रंप कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के मोर्चे पर नाकाम होने वाले ट्रंप अमेरिका में इस मुद्दे पर बुरी तरह घिरे हुए हैं। अब तक 1,06,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित भी अमेरिका में ही हैं। कोरोना रोकने में नाकाम रहने पर ट्रंप ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन और WHO को निशाना बनाया। चीन पर चोरी छिपे वायरस बनाने और इस महामारी से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। यही नहीं, ट्रंप ने WHO से अलग होने के बाद इसकी फंडिंग पर भी रोक लगा दी। महामारी रोकने में नाकाम रहने वाले ट्रंप की यह कदम अमेरिकी लोगों को कितना संतुष्ट कर पाती है, चुनाव में ट्रंप की जीत हार उसका पैमाना होगा। महामारी रोकने में नाकाम रहने वाले ट्रंप की यह कदम अमेरिकी लोगों को कितना संतुष्ट कर पाते हैं, चुनाव में ट्रंप की जीत हार उसका पैमाना होगा।